Redmi Note 5 Pro वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, MIUI 10 का ग्लोबल स्टेबल रोम फाइनली लॉन्च हो चुका है और ये रिलीज हो चुका है और इसका OTA आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। बहुत से लोगों को ये मिल चुका है, 580 MB का ये रोम है और अगर आप इसे मैनुअली फ्लैश करना चाहते हैं तो तकरीबन ये 1.5 GB का रोम है। चूंकि मैं कस्टम रोम में था इसलिए मुझे मैनुअली इसे फ्लैश करना पड़ा TWRP से, बट मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोगों ने अपना फ़ोन ब्रिक किया है TWRP से अपने रोम को अपडेट करने में, मैं कस्टम रोम की बात नहीं कर रहा। तो गाइज अगर आप TWRP से रोम फ्लैश करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि पहले आप एंटी रोल बैक के बारे में सारी जानकारी हासिल कर लीजिए और इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही सॉलिड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसे एक ज़रूर देख लीजिए। चलिए चलते हैं अब अबाउट फ़ोन में। डिवाइस नेम Redmi, मॉडल नंबर Note 5 Pro, एंड्रॉयड वर्जन 8.1, सिक्योरिटी पैच 1 सितंबर का एंड MIUI वर्जन 10.0.1.0। चलिए अब देखते हैं व्हाट्स न्यू में नया क्या है, यानी इस अपडेट के बाद हमें नया क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला है डिज़ाइन फॉर फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस, ये हम पहले भी देख चुके हैं बट गाइज जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि MIUI 10 में आपको मिलता है फुल स्क्रीन 2.0 जो कि पहले से भी बेहतर एंड रिस्पॉन्सिव है। दूसरा है नेचुरल साउंड सिस्टम, यानी नेचर से इंस्पायर्ड साउंड जो है नोटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। एंड उसके बाद प्री लोडेड AI, यानी पहले से बेटर स्वाइप जेस्चर रिस्पांस मिलेगा आपको, पहले से ज़्यादा स्मूदर एक्सपीरियंस होगा आपका। इसके अलावा गाइस कुछ ऐप्स जो है उसको भी रिवैम्प किया गया है लाइक क्लॉक एंड नोट्स को, तो ये कुछ चेंजेस हैं। ओवरऑल MIUI 10 में आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है ये बहुत ही स्टेबल एंड स्मूथ मिलने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस ये पहले से मुझे स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव लगा। अब बात करते हैं कैमरे के बारे में। कैमरा ऐप मैंने जैसे ओपन किया मुझे लगा शायद मुझे इसमें AI देखने को मिले, बट AI का बटन यहाँ पे नहीं था, शायद फ्यूचर में अपडेट के बाद ये ऐड कर दिया जाए। फिर मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग चेक किया तो यहाँ मुझे ऑप्शन मिला 1080p 30fps तक, यानी नो 4K रिकॉर्डिंग, ये भी शायद फ्यूचर में ऐड कर दिया। वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, वॉल्टी, इन कॉल वॉल्यूम, स्पीकर, हेडफोन्स के साथ साउंड की क्वालिटी सब कुछ ओके लगा मुझे। डुअल 4G का ऑप्शन भी दिखा, डबल टैप टू वेक भी काम कर रहा है। गाइज आप ग्लोबल स्टेबल में हो तो आप वेट करना, आपको इसका OTA मिल जाएगा। अगर आप कस्टम रॉम में हो तो आप इसे फ्लैश कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, बट प्लीज़ आप वो आर्टिकल पहले पढ़ लेना क्योंकि कस्टम रॉम के बाद आप ऑब्वियसली फ्लैश कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं होगी, बट फ्यूचर के लिए आपके लिए ये आर्टिकल पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है।
रिव्यू नहीं है, एक छोटा सा क्विक अपडेट है। सुबह मैंने फ्लैश किया और अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगता है कि रिव्यू होना चाहिए कस्टम रॉम्स पे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। अभी एंड्रॉयड पाई बेस्ड बहुत सारे कस्टम रॉम्स अवेलेबल है रेडमी नोट 5 प्रो के लिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, तो मैं कुछ नए रॉम्स ट्राई करूँगा और उस पर वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे बनाने का कोई मतलब नहीं बनता मेरे लिए, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड देखते रहिए आईफोन अनबॉक्स।